कविता मैंने लिखी कि आपने लिखी है? मैं बोल भी नहीं पाता नहीं, आप पहले बोल देते। हे सके राम राम जपना पराय माल अपना की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख में राम बगल में छुरी की कुटिल नीति है तुम्हारी, आम के आम बुआ गुटली के दाम की कुटिल नीति है तुम्हारी, तन के उजले मन के काले की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख के मीठे दिल के झूठे की कुटिल नीति है तुम्हारी, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बन भार में जाए जनता की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बनता भार में जाए जनता की कुटिल नीति है तुम्हारी, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका वैसा काम की कुटिल नीति है तुम्हारी, इस नीति को अनीति को दुर्नीति को कुटनीति को भक्तनीति को राजनीति को छोड़ दे अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दहन, रे चपल मन कर तू अरहत का वचन, रे चपल मन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आचार्यों ने कहा दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। इन्हें हम परिभाषित यूं करेंगे, जिसके पास केवल धन है वो भाग्यशाली है, जिसके पास धन के साथ स्वास्थ्य भी है वो सौभाग्यशाली है, तथा जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है वो महाभाग्यशाली है। जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास धन है, बेशुमार धन है, पर बीमार, धन है खा पी नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, 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 डॉक्टर साहब क्या खाना, डॉक्टर ने कहा बगैर घी की, बोलो बगैर घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी, धन है, धन है। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए, घर में मेहमान आया 56 तरह के व्यंजन बनाए, मेहमान भोजन करने बैठा, भोजन व्यंजन परोसे, अब वो मस्ती से खा रहा है और ये देख रहा है, कितना दुख होता होगा उसको, सुना सोचिए, सोचिए, ये खा नहीं सकता है लेकिन मेहमान खा रहा है, ये देख रहा है, क्यों, डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, 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 क्या खाना, बिना घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी, धन है पर स्वास्थ्य नहीं है, जिंदगी भर धन। संता है सेठ जी सत्संग करो अभी नहीं, धन, मंदिर जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाएंगे धन धन, मुनि आए प्रवचन में जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाना है धन धन धन, तीर्थ यात्रा करने के लिए टाइम निकालो फुर्सत नहीं, क्यों, दुकान जाना है धन 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 धन, विधान हो रहा पंच कल्याण हो रहा उसमें शामिल हो जाओ, इंद्रवन के पूजा करो नहीं फुर्सत नहीं, क्यों, धन 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 धन, जिंदगी भर करता रहा धन धन धन, एक दिन मर गया, मरने के बाद बेटा ने शोक पत्र का लिखी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो, पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगी है, लोग सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी में आग थोड़ी ना लगी है।
ये क्या हो रहा है, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं कहता हूं अक्सर आज दो सबसे ज्यादा दुर्लभ हुई, एक तो चेहरे की हंसी और दूसरी जिंदगी की खुशी। दो चीजें, दो चीजें आज के जमाने में जब सब कुछ है आदमी के पास, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है आज के आदमी के पास, सब कुछ है आज के आदमी के पास, सब कुछ है। देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, पीने के लिए टी सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। ये जीवन की सच्चाई है, सब कुछ है आज क्या, आज क्या, आज क्या आदमी के पास सब कुछ है, चेहरे पर हंसी नहीं। अब घर में कभी मेहमान आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, 21वीं सदी का, 21वीं सदी का, 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का, 21वीं सदी का, 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव, खुशियों का अभाव है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि चलो बारह, बारह छोड़ो, आठ घंटे तो बैठते ही हो गए, कोई बारह घंटे नहीं बैठे, आठ घंटे तो दुकान पे बैठता ही होगा। बारह आठ घंटे में कितने रुपए कमाए, 5,000, कोई ज्यादा होगा 10,000 कमाए, कोई और भी ज्यादा होगा तो 15,000 का, कोई और भी ज्यादा हुआ तो 20,000, और भी ज्यादा हुआ तो 30,000 कमाएगा 6 घंटे में, और भी ज्यादा हुआ तो 50,000 कमाएगा 6 घंटे में, 50,000 कमाए 6 घंटे में। लेकिन मैं सवाल करता हूं, वो 50,000 आपके साथ जाएंगे, ये कन्फर्म है क्या? 50,000 रुपये आपने दिन भर में बैठ करके कमाए, वो आपके साथ जाएंगे, वो आपके साथ जाएंगे, ये कन्फर्म है क्या? बोलो, कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। वो 50,000 रुपए जो आपने कमाए हैं, वो साथ में मरने के बाद जाएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। और अगर आपने मंदिर जी में 1 घंटे का, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का समय निकाला और जो आपने पुण्य का संचय किया, वो साथ जाएगा या नहीं, ये कन्फर्म है? बोलो, जाएगा, ये कन्फर्म है। अब कितनी सरल बात है, जो कन्फर्म नहीं है उसके लिए आदमी भाग रहा है, और जो कन्फर्म है उसके लिए, उसके लिए टाइम नहीं मार रहा है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। मन तो बहुत करता है, लेकिन मन तो बहुत करता है, मगर मन तो बहुत करता है, किंतु मन तो बहुत करता है, परंतु, ये किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये 4 शब्दों को कचरे के डिब्बे में डाल देना, ये 4 शब्द, ये 4 शब्द कचरे के डिब्बे में डाल दो, मगर। एक भाई आके बोले, महाराज आपका प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगता है घर द्वार परिवार छोड़ो और आपके साथ ही चलो, मगर। मैंने कहा, गेट आउट फ्रॉम दिस कमरा, ये मंगा रखा है ना, अब ये तुझे खाएगा, ये मंगा रखा है ना,
अब तो तू मेरे साथ चलने की बजाय तू गांव से बाहर तक छोड़ने भी नहीं जाएगा, मंगा रह गया ना। धर्म के मामले में गलियां मत निकालिए, धर्म के मामले में गलियां मत निकालिए। लोग धर्म के मामले में गलियां निकाल लेते हैं। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में नियम दिया कि प्रवचन के बाद नियम देता था, अभी तो नहीं देता हूँ, पहले देता था प्रवचन के बाद नियम। मैंने कहा आज कोई भी 12 बजे से लेके 12:15 बजे तक दर्पण नहीं देखने का, 15 मिनट भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन समझ गए आप बहुत समझदार हो, मतलब इशारों की भाषा समझ जाते हो। भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, 15 मिनट की बात है, आधा घंटे की बात है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महिलाओं को बड़ी तकलीफ हो गई। अब एक महिला को, एक माता बहन को किसी पार्टी में जाना था, अब तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पार्टी में जाना है और महाराज ने कह दी दर्पण नहीं देखना। अब नियम भी पालना चाहिए, नियम भी नहीं टूटना चाहिए। गुरु जी का आदेश है, गुरु का आज्ञा, गुरु के बात का अपालन तो करना चाहिए। नियम भी पल जाए और काम भी चल जाए, ऐसा कुछ। उस महिला ने पता है क्या किया, अंदर कमरे में गई, नई स्टील की थाली